अरे वाह, तो नई दुकान खोल लिया है। चल प्रोटेक्शन के 30,000 निकाल। अब आपकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ आप जैसे पुलिस वालों को। अभी पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर साहब से आपकी कंप्लेंट लिखवा दूंगा। पुलिस स्टेशन जाने की तकलीफ क्यों कर रहा है? मटर के दाने ये बैठे साहब देख। हाँ भाई, क्या हो रहा है? साहब जी, ये दुकान वाला बोल रहा है पैसे नहीं देगा। है ना देगा? क्यों ना देगा? देखिए, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अरे मेरे ईमानदार आदमी, सुरेश का है ना तू? 10वीं फेल, तेरे बाबू ने 1,00,000 रुपए दिए थे प्रिंसिपल तय, जब जाकर तू पास होया था। ईसा ईमानदार था तब फेल होता ईमानदारी तय। वो तो मैं तो है ना, ये सब अपने घर में करिए। अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। किस बात की प्रोटेक्शन? अरे तेरी प्रोटेक्शन है, तेरी जान बख्शन की प्रोटेक्शन है। दिन में 70 के सावे हैं, जिसमें तो 15-20 एनकाउंटर हुए हैं। एक दो में तू लपेटा जागा, फिर करे जी। वो तो मैं तो मतलब है? अगर तू हमारी सर्विस लेता है, तेरे को मिलेगी VIP सर्विस। हमें कितना भी काम हो, लेकिन तेरे को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी हमारी तरफ से। हाँ सर, मैं अच्छे से समझ गया। मैं अभी देता हूँ पैसे। That's like a good boy. सर पैसे मिल गए। अरे मिलने ही थे, हम किस लिए बैठे हैं? जी सर। अरे पैसे जमा करा दिए दूसरे वाले खाते में। जी सर। अरे इसके मेरी चार्ज के पैसे दे के आता हूँ, ठीक है? अरे सर चल चलेंगे। ठीक। जनाब साहब मिल तो जाएंगे ना? तेरे को बोला तो यही मिलेंगे साहब। वो देखो वो बैठे। सर मुझे FIR लिखवानी है। आपकी सेवा के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। किस बात की FIR है आपकी? सर मुझे अजय गोदारा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। गोदारा MLA का छोरा? सर मैंने उसको ना अपना फ्लैट रेंट पे दिया था 3BHK का। ना तो वो 1 साल से किराया दे रहे हैं, ना उसको खाली करने। खाली करने के लिए बोलता हूँ तो मारने की धमकी देते हैं। इतना बड़ा आदमी रेंट पे घर क्यों लेगा? सर मुझे भी यही लगा था। वो बोल रहे थे कि 1 साल के लिए फ्लैट चाहिए रेंट पे, क्या हमें कैंपिंग करनी है, उसके लिए ज़रूरत है। आपका ही घर है ना? हाँ जी सर, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, वहीं पे पैदा हुआ था मैं। फिर छोड़ा क्यों? सर 3 साल पहले मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, तो इस घर में उनकी बहुत ज़्यादा यादें हैं। यहाँ अकेला रहने में दिक्कत होती थी, इसलिए मैं नोएडा शिफ्ट हो गया। फिर लिख दूंगा मैं FIR, टेंशन मत ले। थैंक यू सर। अरे साहब जी, ये क्या किया आपने? MLA के बेटे के खिलाफ FIR लिखोगे? अरे तूने सुना नहीं क्या, 3BHK का फ्लैट है, कम से कम 2.5-3 करोड़ का फायदा। अरे हमें भी तो मिलना चाहिए कुछ है, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? फिर FIR क्यों लिख रहे हो? अरे ताकि लक्ष्मी खुद हमारे पास चल के आए, हम थोड़ी जाएंगे। ओह सर, मान गए आपको तो। इसी बात पर हुक्का भर लिया फटाफट। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है ठीक है। सर क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? अरे मैं कह रहा था ना, लक्ष्मी खुद चल के आएगी हमारे पास। MLA के लड़के का फोन था, मिलने के लिए बुला रहा है। हाँ सर, अब तो पैसा ही पैसा होगा, कुछ बूंदे यहाँ भी खिला देना। बूंदे क्या, तेरे पे पूरी बाल्टी खंडा देंगे। फिर तो मजा ही आ जाएगा सर। घने मजे मत ले, चल चलने की तैयारी कर।
भाई मैंने पता करा है, जिसका फ्लैट कब्जा था ना वह एफ आई आर लिखवाने चला गया। क्यों दिक्कत लेता है, उस इंस्पेक्टर को यहीं बुला रखा है, आज के आज ही सेटलमेंट कर दूंगा। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चली जाएगा। भाई आ गया इंस्पेक्टर। आएगा क्यों नहीं, बुलाया जो है। आ गए इंस्पेक्टर। अरे भैया आप बुलाओ और हम नहीं आए, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। कोई काम था क्या? कोई बंदा आया होगा तुम्हारे पास 3 BHK के फ्लैट के चक्कर में। हाँ भैया आया तो था, है ना? क्या करने आया था? कुछ नहीं, FIR लिखवाने आया था आपके खिलाफ। तो तूने क्यों लिखी FIR? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, FIR तो लिखनी पड़ती है, क्या करें हमारी भी तो मजबूरी है। सरकार कितनी पगार देती है तुझे? बस मुश्किल से रोटी नसीब हो जाती है, और क्या, सरकारी पगार में बचता ही क्या है। रोटी से क्या होगा, तेरे जैसे जवान लोंडे को दारू और चिकन का भी तो जुगाड़ करना होगा, प्रॉफिट में से जा तेरे को 7%। आप तो बड़े आदमी हो, 10% कर दोगे ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ खुल रहा है तू भी, 10% तेरा, लेकिन बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, और FIR भी अब उसके खिलाफ होगी, फ्लैट तो आपका ही है, चिंता मत करो बिल्कुल। ये हुई बात। चलो फिर चलते हम। जनाब 2-4 बूंद इधर भी। अरे बूंद छोड़, बाल्टी मिलेगी तेरे को। ना भाई जनाब साहब से मिलना है, ऐसे नहीं मिल सकते जनाब, बहुत जरूरी काम है, साहब बिजी, साहब नहीं मिल सकते, साहब वो खड़े। अरे नहीं मिल सकते, साहब वो खड़े। अरे रुक जा तू, ओए समझ नहीं आ रही तेरी, ओए रुक जा तू, साहब ये मान ही नहीं रहा। साहब मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है। बता क्या बात हो गई? सरवाजे को दारा कह रहा है कि घर उसका है। हाँ तो जिसका घर होगा वही तो रहेगा उसमें। क्या मतलब? सारे कागज हैं उसके पास, आई विटनेस भी है, और को दारा वहाँ बचपन से रह रहा है। सर पेपर तो सारे मेरे पास भी हैं, और जो मैंने FIR लिखवाई थी वो। कौन सी FIR? सर आपको लिखवाई तो थी। देख भाई ऐसा है, मेरे पास एक FIR है जो तेरे खिलाफ गोदारा ने लिखवाई है। मेरे खिलाफ? सर अब मैं क्या करूं? अरे भाई मैंने बेरा तू परेशान है, लेकिन जो तेरी हरकत है ना, इन्हें देख कर ना इब्बे की इब्बे लोकअप में बंद कर सकूं हूं, लेकिन मैंने तेरे पर तरस आवा है। लेकिन सर मैं तो निर्दोष हूं। चल एक काम कर, तू अभी के भी है ना 1,00,000 दे दे मन्ने, उससे तू सेफ रहेगा, फिर तू भी खुश है और मैं भी खुश। लेकिन सर मेरा घर है वो। ओए भाग यहाँ से, जब से झूठ बोलने जा रहा है, गोदारा भाई का घर है ये, समझ गया बात को? हवलदार ले जा इसको, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चले ले कड़े। सर आपका ऑर्डर। अच्छा ठीक है सर, आपके 1500 हो गए। अरे तू जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ? दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ मैं। सर मैं तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, ये सारे पैसे मेरे को अपने मालिक को देने होते हैं, अगर मैं ये पैसे नहीं दूंगा तो मेरी सैलरी से काट लेंगे। मालिक को बोल दियो रोहित साहब ने नहीं दिए, अगर जी हो ना तो पुलिस स्टेशन में आके ले लेंगे मेरे से। सर पैसे। अरे पैसे चले दे दे पैसे, चल लकड़ी। सर 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 पैसे, चल सर सर लकड़ी यहाँ से।
अरे मम्मी क्या सोचा है? बस आज एक बात याद आ गई। कौन सी बात? सुनील मम्मा की। सुनील मम्मा तो अमेरिका शिफ्ट हो लिए। एक बार सुनील मम्मा को चार गुंडों ने झूठे केस में फंसा दिया था। फिर क्या होया? फिर क्या, सुनील मम्मा का पूरा कैरियर दांव पे लग गया। हमने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए थे अपने भाई को बचाने के लिए। सोचा था गुंडों को दे के उसका केस ही खत्म करवा दूं। फिर उस टाइम इंस्पेक्टर पांडे इंचार्ज थे, उसने बहुत सबूत इकट्ठे किए, बहुत मदद करी हमारी तेरे मामा को बाहर निकालने में। अच्छा, उस टाइम खुश तो बहुत हुए हम, पर बदनामी बहुत हुई। मेरे मामा ने इस मारे बाहर जाने का फैसला कर लिया। हाँ, पर 10 दिन जेल में काट के आया था ना, पड़ोसियों ने 10 बातें बना ली। क्यों, मामा तो निर्दोष थे ना? बेटा पुलिस वाले का काम बहुत बड़ा है। एक ईमानदार पुलिस वाला किसी की भी जिंदगी संवार सकता है और एक बेईमान पुलिस वाला किसी की भी बिगाड़ सकता है। मेरी एक बात याद रखियो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। अगर इंस्पेक्टर आगो ब्यूरो की तरह बेईमान होते ना, तो तेरे मामा अब तक निर्दोष होते हुए सजा काट रहे होते और हम कुछ नहीं कर पाते। क्या हुआ सर, इतने उदास क्यों आप? कुछ ना यार, बस इतना है ना, गलत काम ना करना। क्या मतलब? माँ ने सही रास्ता दिखा दिया। सर मैं कुछ समझा नहीं। हमने केबर कितने गुंडे छोड़ दिए पैसे के चक्कर में, और कितने ईमानदार आदमी जेल में गाल दिए, लेकिन नीब कुछ ना होवे, सब गैल इंसाफ होगा, सबकी गैल। सैल्यूट है सर आपको। अच्छे गैल अच्छा होगा और बुरे गैल बुरा होगा। अरे गाड़ी बटुआ दे रहा मेरा, उस दुकान वाले तो पैसे दे दिए और पहले का हिसाब सारा क्लियर कर दिए। अब रुलाओगे क्या सर? रुलाएंगे, पर उस एमएलए के लड़के को। अब उसकी खैर नहीं सर। अरे काल दू रेस्ट करिए, शाम ने भेज दिए, उस गैल जाऊंगा मैं। ठीक है सर, मैं बोल दूंगा उसको। भैया इंस्पेक्टर क्या करने आ रहा है? अरे आ रहा होगा अपना खर्चा पानी लेने के लिए, और औकात ही क्या है इनकी। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। ओए गोदारा चल, बहुत हो गया। क्या बे गोदारा, भैया से सीधा गोदारा, पैसे कम पड़ गए क्या? पैसे ना चाहिए, इज्जत चाहिए। अरे ओ इंस्पेक्टर, पागल हो गया क्या तू? पागल छोड़े, तेरे जैसे टुच्चे गुंडे की जगह जेल में है। जवान को लगाम दे इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं हमारा बाप कौन है? बहुत बढ़िया डाल जानू हूँ, इतना तो तू भी ना जानता होगा। अरे ओ इंस्पेक्टर, तू मुझे बताना कितनी भूख हो रही है तेरी पैसों की? अरे बताते दी, पैसे ना चाहिए। मेरे बाप को पता लग गया ना, वर्दी उतरवा देंगे तेरी। हमारे पास तेरे खिलाफ FIR है, पुलिस को धमकी देने के, फ्रॉड के, रिश्वत के, सारे केस हैं तेरे ऊपर। तू क्या तेरे बाप की फाइल खोल दूं मैं? बताऊं क्या अभी? इस खिलौने ने भीतर धर ले, मार दो रे भी है, इतना चला होगा ना, 6 की 6 भीतर में तार दूंगा। हवलदार थाई ने। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चल रहा हूं मैं। हवलदार इसका घोड़ा भी ले लिए। घोड़ा क्यों? जो कर मेरी सलाखों को तू पसंद आ गया ना, न्यू है तेरा घोड़ा पसंद आ गया मन ने। इंस्पेक्टर तेरी ये हरकत बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना मेरी बात को। याद रखूंगा, चल रे घोड़ा लेकर गाड़ी में गिरी ने। जनाब साहब से मिलना मिल सकते हैं क्या? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, आपकी सेवा में तो बैठे हैं। सर वो बैठे, आओ मिल लो। जनाब ये मिलना है आपसे। अरे बैठो ना, फिर खड़े क्यों हो? सर मुझे पता लगा आपने अजय गोदारा को अरेस्ट कर लिया। हाँ कर तो लिया,
और थोड़े दिन की बात है, आपको अपना फ्लैट ही मिल जाएगा वापस। थैंक यू सर, जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हो। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है, और सॉरी तो मैं बोलता हूँ आपको, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। शुक्र है, अब आपकी वजह से मुझे मेरा घर मिल जाएगा। ये तो मेरा फर्ज है, और आगे कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना, बेझिझक मेरे पास आना, मैं सब देख लूंगा। और भाई किस हो सारे, अरे भाई किस लग गया वीडियो, बढ़िया लगी हो, बुंडी लगी हो, कमेंट सेक्शन जरूर बता दियो। राम राम।